अनुपमा दीदी टीचिंग एसोसिएट हैं गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर राजस्थान में। दीदी 23 सितंबर 23 से यूएचबी से जुड़े हैं और कॉलिंग में और एक दो प्रोग्राम जैसे फेस टू फेस वर्कशॉप की प्लानिंग के रिगार्डिंग भी दीदी ने अभी भागीदारी देनी शुरू की है। अखिलेश्वर भैया भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर राजस्थान में और भैया जुलाई 2020 से जुड़े हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप में भैया FAQ में अपनी भागीदारी देते। नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर पांडे है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। इस कंटेंट से मैं जुलाई 2020 में जुड़ा था। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी अनुपमा, मेरी एक बेटी, एक बेटा, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी है। शुरुआत में जब कंटेंट के साथ हम लोग जुड़े, उससे अभी तक काफी 4 साल का समय है, हमने ये समय इसमें लगाया, हमें काफी फायदा भी पहुंचा है अपने स्तर पे, है ना, संबंधों में, और ओवरऑल अपनी जो समझ है उसमें। मेरे सबसे पहले मैं स्वयं के बारे में अपनी बात शुरू करता हूं। तो अपने में मैंने ये देखा, एक तो क्या है कि मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। जैसे मैं पहले ब्लड प्रेशर की गोली होती थी, वो मैंने बंद भी कर दी थी, पर डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट पे उसको दोबारा से चालू किया, बट वो उसकी डोज हाफ हो गई। ओवरऑल मेरी जो एसिडिटी और ये सारे इश्यूज थे, वो अब मैं देख पाता हूँ कि वो काफी कम हो गए, मतलब ना के बराबर। अच्छी नींद आती है, तो स्वास्थ्य के स्तर पे तो जो प्रभाव है वो पूरी तरह से विजिबल। अपने जो मानसिक स्वास्थ्य की जो बात कही जाए, वहां भी मुझे काफी आराम है। इनफैक्ट मेन आराम वहां है, वही उसी का प्रभाव स्वास्थ्य पे दिख रहा है। बार बार जो छल्लाहट होती थी, जो एंग्जाइटी सा था, और मेरा एडिक्शन भी था, उन सब चीजों से मैं काफी पीछे की बात हो गई हूँ और मैं काफी आराम में रहता हूँ। रही परिवार में और संबंधों की बात, तो मेरी मेन पीड़ा ही यही थी। मैं इस कंटेंट से संबंध में कुछ रिलीफ मिले, उस वजह से ही मैं जुड़ा था, और उस पे मुझे आश्चर्यजनक रूप से बहुत जल्दी रिलीफ मिला था। मेरी कुछ प्रॉब्लम थी कि जो निकटतम संबंधी है वो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कंटेंट के साथ जब ये समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे तुरंत उसमें रिलैक्स मिला, आराम मिला, और मैं फिर इस कंटेंट के साथ चिपक गया। पिछले 4 वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने इस बारे में, इस कंटेंट के बारे में सोचा ना हो, समझा ना हो। जो इसके प्रति मेरी निष्ठा है वो तो बनी हुई है, कि 4 वर्ष से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, और कभी भी निराशा या ऐसा नहीं लगा कि इसको हम नहीं कर पाएंगे या वैसा कुछ नहीं, क्योंकि फायदे मिलते रहे अपना अपना। फिर धीरे धीरे मेरी वाइफ का भी इसमें इंटरेस्ट आया, तो और भी हिम्मत बढ़ी। और अच्छी बात अब तो ये भी हुई है कि मेरे कॉलेज में, पहले मैं बहुत प्रयास करता था लोगों के साथ इस बात को लोग सुने, उनसे बात करता था, समझता था, तो वो नहीं मिलता था सहयोग, क्योंकि इसलिए अब समझ में ये आ रहा है कि उनको कंटेंट से दिक्कत नहीं थी, उनको मेरे जो पुराना व्यवहार या उस समय का जो व्यवहार था, उस वजह से वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब सुन रहे हैं। अभी हमारे कॉलेज से डॉक्टर प्रमोद मैडम भी हैं, वो भी जुड़ गई हैं, एक और हैं मेरे कलीग हैं, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो हमारा धीरे धीरे वहां भी एक्सेप्टेंस कंटेंट के रूप में ऐसे हो रही है। परिवार में तो पहले से ही हमें काफी आराम हो गया है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही हो गया है, वो चीजें वापस आती हैं, है ना। जैसे अभी बहुत रिसेंटली इस वीक में ही चल रहा है ना, अपना जो लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें कुछ इशूज आ जाते हैं, तो वो लौट लौट के वो चीजें आती हैं। चीजें बाहर से तो जो आ रही हैं वो आ ही रही हैं, अपने अंदर भी कई बार हम नहीं संभाल पाते हैं, ये भी दिखता है। तो जब इसको और ठीक से इस सेशन में एक्सरसाइज के साथ इसको और ठीक से जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बात जो कही जा रही वो समझ में आई कि ज्ञान के लिए काम किए बगैर ये चीजें पूरी तरह से सेटल तो नहीं हो। ये ठीक है कि आराम तो मिल रहा है, वो आराम हुआ मैंने आपको शेयर किया, जैसे मेरे स्वास्थ्य के स्तर पे, मेरे संबंधों के स्तर पे, लेकिन वो जो परमानेंट आराम या जिसकी थोड़ी सी स्थिरता रहे वो तो ज्ञान से ही होगा, और उसके लिए अभी तक मैंने कोई विशेष प्रयास किए नहीं थे। एक्चुअली इस कंटेंट से जुड़ते समय मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एम था, मैं उस समय परेशान था संबंधों में, तो मुझे वहां रिलीफ चाहिए था। इसमें कुछ जो बातें कही जा रही थी उससे मुझे रिलीफ मिल रहा था, और वो रिलीफ मिला तो मैं बस उतना ही एम लेके आया था। लेकिन जो अभी शिफ्ट हो रहा है हमारी समझ में, मेरी समझ में वो ये आ रहा है कि अब आगे की बात करनी है, मन सिर्फ संबंध पे फायदा उठा के या स्वास्थ्य वहीं तक की बात नहीं है, ये आगे की भी यात्रा है, आगे का भी काम करना है, ज्ञान के लिए काम करना है। ऐसा ऐसे भी स्पष्ट होता है कि जैसे अब मुझे ये तो आभास होने लगा है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, ऐसा होता है, क्या हूं वो अभी और जानना है, लेकिन इतना तो मैं पक्का तौर पे कह सकता हूं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। तो जब ये दिखता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, तो उसको जब जानने के लिए हम चलते हैं, खासकर एक्सरसाइज वन, तो हमें कुछ और भी दिखता है। तो जब वो और वो दिखता है तो ज्ञान के लिए और भी प्रेरणा बनती है, और भी मन करता है ना। तो इस रूप में ये है कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ संबंध में रिलीफ पाने के लिए ही कंटेंट नहीं है, इसका मूल लक्ष्य है वो जो ज्ञान के लिए हम कुछ करें, जो और ऊपर की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए कुछ हो, वहां पे कुछ हो। तो उस इनफैक्ट जब मैंने इसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया, जो संबंध वाली भी बात थी, तो उसमें भी जो आराम मिला था ना वो वही, जब कुछ देर के लिए ही सही, जब वहां से हम सोचते हैं ऊपर की जो क्रियाएं हैं, ऊपर की जो एक्टिविटीज हैं, वहां से जब हम सोचते हैं समझते हैं जो कुछ भी करते हैं, वहां से जो कुछ होता है वो उसी से ही मिला था, हमें लग रहा था कि ये है। तो कहने का मतलब है कि जो फोकस है अब वो संबंधों से हट के, संबंध में तो रहेगा ही क्योंकि वो उसका क्या कहते हैं उसका वैभव है, वो तो रहेगा ही, बट मेन काम तो वो ज्ञान के लिए ही करना है, ऐसा बना। तो एक ये शिफ्ट है इस बार के सेशन में, ऐसा मन बना कि अब इस ये सिर्फ संबंध पे तो है ही है, ये ज्ञान के लिए भी करना है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऐसा इसलिए है कि मैंने अपने इस पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ज्ञान के लिए कुछ, है ना, कुछ करूंगा। बाहर से बात करने की बात अलग है, बट अंदर से कभी ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा लक्ष्य भी नहीं था। मेरा तो सिंपल एक बात थी कि मेरा परिवार में ठीक ठीक कैसे चले, मुझे तो वो बात चाहिए, बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि ज्ञान क्या है और ये क्या चीज है। हालांकि क्वेश्चंस मेरे होते थे बट मेरा फोकस नहीं होता था। तो एक ये शिफ्ट अभी इस बार से दिखा है। मैं ये इसमें जो एक्सरसाइजेस थी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये कर तो मैं रहा था और 4 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ध्यान से नहीं कर रहा था, और बहुत गंभीरता से, चूंकि फोकस नहीं था ज्ञान के लिए, सिर्फ संबंध भाव और कुछ ऐसी इन्हीं चीजों पे अटका हुआ था, और भाव का भी ठीक ठीक पता भी नहीं था।
लेकिन जब ये एक्सरसाइज को पिछले बार की शेयरिंग में कुमार संभव भैया ने मेरा ध्यान दिलाया कि आप एक्सरसाइज पे ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर मेरा ध्यान गया तो इस बार मैंने एक्सरसाइज पे फोकस किया। पहले क्या होता था, मैं आंख बंद कर लेता था और फिर बंद आंख से देखने का प्रयास करता था, तो कुछ दिखता था नहीं तो मैं छोड़ देता था। अभी इस बार ध्यान गया, जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट में पहले स्टेप से शुरू करें तो ये स्वयं के द्वारा स्वयं चल रही कल्पनाशीलता को देख पाना, तो इस बार मुझे विचार और उनके पीछे का जो भाव है वो दिखा, मतलब मैं देख लेता हूँ इसको। मैं बड़े आराम से जब भी ध्यान देता हूँ, यानी कि जब बैठता हूँ कभी, तो दिख जाता है। कई बार डेली उसमें चलते हुए भी ये दिख जाता है, तो ये स्टेप तो मैं कर लेता हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, मेरी परिस्थितियों में, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं इस पे कंटिन्यूटी नहीं रहती। लेकिन ये बात तय है कि जब भी मैं इस स्टेप को कर पाता हूँ तो तुरंत मेरा जो है, तुरंत तो नहीं, थोड़ा सा समय लेके भाव विचार मेरा ठीक, मतलब ऐसे ठीक रहे, मतलब ध्यान देने मात्र से ही मैं पता नहीं क्यों आराम में थोड़ा महसूस होता है। और कई बार नहीं भी मिलता है, ऐसा नहीं है कोई, जो वो निगेटिव जो चीजें रहती हैं वो परेशान भी करती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि मैं इसको देख पाता हूँ। जो स्टेप 2 और 3 की बात है, ये तो पता चलता ही है कि ये हम आराम में हैं इन भावों के साथ या आराम में नहीं है, ये तो पता चलता है। और जो स्टेप 4 है, इसमें है कि ये जो कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, ये भी जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे ये पता चलता है। ये ऐसा भी है कि लॉजिकली भी ये समझ में आता है और ये दिखने में भी मैं ये देख पाता हूँ कि भाई सेम परिस्थिति में मैं कई बार अलग निर्णय लेता हूँ, जैसे सेम परिस्थिति में मैं कभी निर्णय ए लेता हूँ कभी निर्णय बी लेता हूँ। अगर ये बाहर से ही हो रहा होता, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा ऐसे ही होता कि उसी परिस्थिति में मेरा निर्णय बिल्कुल ए होता, मैं बी में क्यों जाता। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मेरे भाव विचार जैसे चल रहे होते हैं तो मेरा निर्णय जो है कभी ए होता है कभी बी होता है कभी सी भी हो सकता है सेम परिस्थितियों में। इससे ये तो बिल्कुल श्योर है कि ये निर्णय जो है मैं ही लेता हूँ और लॉजिकली के अलावा मैं इसको देख भी पाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब इन चीजों को, तो ये मैंने देखा है कि वो निर्णय मेरे ही हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 3 साल पहले परिवार में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ही मैं बहुत दुखी था और वो वापस वही परिस्थिति अभी within 1 week अभी वापस फिर से वैसे आई है ना। तो अभी क्या है, कंटेंट के साथ एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं वाली, तो अब बात आई और भाव बिगड़ रहे थे और उसी में ध्यान आया गया और मैंने भी वाइफ से कहा कि भाई देखो, हम ने जीना तो अब तय कर लिया है, कंटेंट के हिसाब से ही जिएंगे है ना, अब ये निर्णय है। इसमें हम लोग एक थोड़ा सा बिगड़ रहे थे भाव, लेकिन इस पे ध्यान गया और वो बदल गया और पूरा निर्णय ही चेंज हो गया। उसके बाद से वो बात जैसे ही कही, उसके बाद से पूरा अंदर रिलैक्स होता चला गया, तो ये तो निर्णय मेरा ही था इस, है ना, इसमें वो बाहर की परिस्थिति, तो ये स्टेप तो मुझे लगता है कि मैं यहां तक देख पाता हूँ। इसके आगे के जो स्टेप हैं, स्टेप 5 6 7, इसमें मुझे अभी और काम करने की जरूरत है। ये अभी जो व्यवस्था संबंध और सहअस्तित्व है, लॉजिकली तो समझा हूं लेकिन अभी ये देखने का नहीं है। और जो मेरे निर्णय के पीछे का जो आधार है, वो मान्यता है या समझ है, इसको भी मुझे अभी लॉजिकली तो ठीक है लेकिन अभी ये मैं मुझे और इस पे काम करने की जरूरत है। और ये तो एक्सरसाइज 1 की बात की। एक्सरसाइज 2 में क्या है कि एक्सरसाइज 2 में जो स्टेप्स हैं उसको एक्चुअली मैं पहले एक्सरसाइज 2 से शुरू करना चाह रहा था क्योंकि वो मुझे थोड़ा आराम लग रहा था, लेकिन फिर बात भी वहां से कही गई और मुझे भी ठीक लगा कि पहले एक्सरसाइज 1 से ही किया जाए, तो वापस मैंने फोकस अपना एक्सरसाइज 1 पे कर लिया। एक्सरसाइज 2 में तो अभी उसको सिस्टमेटिक अभी मैंने नहीं किया है,
बट उसमें मोटी मोटी जो बात है कि अपने जो संवेदनाएं देखनी है शरीर में, है ना, उसमें मोटी मोटी जो बातें हैं कि बाहर से जो संवेदना आ रही है ना, और जो अंदर से है अपने अंदर से, और अपने भाव विचार से का जो प्रभाव है हमारे शरीर पे, है ना, वो चार चीजें। तो उनमें क्या है कि वो थोड़ा बहुत तो मतलब वो दिख जाता है, अपने भाव विचार का जो शरीर पे प्रभाव है वो वाला तो मुझे अभी नहीं दिखता है, क्योंकि अभी उतनी स्थिति एक्सरसाइज 1 में भी अभी उस हिसाब से नहीं बनी है। बट बाकी तीन जो चीजें हैं वो दिखती हैं, है ना, जैसे बाहर की जो उसका प्रभाव, शरीर में जो चल रही गतिविधियां हैं, है ना, उसकी जो ध्वनि है वो भी मैं देख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 2 को मुझे और ठीक से करने का अभी मैंने अभ्यास भी नहीं किया है, और मुझे ये और ठीक से करना चाहिए। लेकिन अभी मेरा फोकस एक्सरसाइज 1 पे ही ज्यादा है, क्योंकि वो उसमें काफी मुझे मेहनत भी पड़ रही है ना, और वो लेकिन ठीक है, ये तो मुझे एक्सरसाइज 1 के बारे में करना था। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक मैं इसमें बोर नहीं हो रहा हूँ, मतलब इन जनरल मेरा जो स्वभाव है वो मैं बहुत पहले रहा है जो कि मैं कुछ ही दिन में चीजों से बोर हो जाता हूँ, तो बट इस बार ऐसा है कि ये 3-4 साल से मैं इन चीजों के पीछे लगा हूं और इनसे मैं बोर नहीं हो रहा, तो ये है तो कोई बड़ी चीज है। इसमें मुझे शुरू में ही लग गया था और इसको करेंगे। तो जो अभी मैं एक बात कह रहा था कि अब निर्णय स्वयं में ये है कि ज्ञान के लिए करना है, और ये बहुत बड़ी बात रही इस सेशन की, इस मॉर्निंग सेशन की, क्योंकि और मतलब इतनी बड़ी बात है कि मैं उसको अभी शब्द भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये कोई बड़ी चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता भी था एक्चुअली, ये भी प्रेरणा यहाँ से भी है कि जैसे जो बड़े महा हम लोग जो साधारण लोग हैं, हमने तो ये सोच रखा था कि ये जो चीजें हैं ना, जैसे अनुभव है, समाधि है या ज्ञान है, ये हमारा काम नहीं है, ये जो चीजें हैं, ये जो महापुरुष हैं, ये उनका काम है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है ना। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति पूरी श्रद्धा, उनके प्रति पूरी श्रद्धा रहती है ना, उनके प्रति ये है, लेकिन ये था कि ये अपने लिए नहीं है। लेकिन अभी इस बार ऐसा है कि एक्सरसाइज के साथ ऐसा बना कि नहीं, इसको हम भी कर सकते हैं, है ना, अभी नहीं होगा तो 1-2 जीवन यात्राओं में आगे हो जाएगा, लेकिन ये लक्ष्य भी अपने आप में स्वीकार होना, ये बहुत बड़े लक्ष्य हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी करेंगे, है ना। लेकिन ऐसी उम्मीद बनती है, जैसे आप सबको भी सुनते हैं, जैसे गणेश सर हैं, या उनको तो मैं महापुरुष भी उसमें रहते हैं श्रेणी में रखा हुआ है अपने उसमें, लेकिन बाकी जैसे और सब लोगों से सुनते हैं, तो आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 25 साल लगाए हैं, तो उसके बाद जब आपकी स्थिति का सुनते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे तारा प्रसन्ना भैया की शेयरिंग सुनी तो ऐसा लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो एक तो ये बात है, और इतना ही मुझे कहना था। हाँ, अब दो, एक तो ये है कि एक अपने स्तर पे तो मैंने काफी जैसे सूचना इकट्ठा करना, पढ़ना, एक्सरसाइज करना, इसमें तो मैंने खूब समय लगाया है। अब जो मुझे ऐसा लगता है, और कई बार से मुझसे कहा भी गया, पूछा भी गया, कि जो मेरा जो बाहर यानी जो भागीदारी की बात है वो एक मेरा थोड़ा सा लैग करता है, और वो शायद इसलिए लैग कर रहा था कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक मैं चीजों को ठीक से कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, मैं उसको आगे नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस बन गया है। अब एक तो ये निर्णय हो ही गया है मेरा कि अब आगे की पूरी जो जिंदगी है वो इसके हिसाब से ही जीना है, ये निर्णय तो हो गया, अब मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और तो अब ये है कि अब इन चीजों को आगे कैसे ले जाना है इस पे है, और मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी भी स्वीकृति ये हो गई है कि मैं इस चीज में लगाऊं, उसका फायदा भी होता है। जैसे ऑन लाइटर नोट, एक बार क्या है कि ऑफिस में प्रिंसिपल और सारे लोगों के साथ मीटिंग में
कुछ हुआ एक बार, मैं अपना भाव मेरे बिगड़ रहे थे किसी बात को लेके, मैं बिगड़ वो हुआ। इन जनरल मैं शांति रहता हूँ, लोग ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, तो सामने से प्रिंसिपल साहब ने खुद ही ध्यान दिलाया कि नहीं आप तो यूएसबी वाले हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो मेरा तुरंत ध्यान गया और वो ठीक हो गया। फिर उसको मैंने तुरंत इमिडिएटली वहीं पे सॉरी बोला और वो ठीक कर लिया। ऐसे परिवार में भी है। तो अब मतलब मुझे जो चीजें पहले अपोज करती थी मेरी अपनी अपनी जर्नी में, अब वो चीजें मुझे सहयोग के रूप में दिखने लगी हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात हो गई। जैसे पहले अगर कोई इस तरह से बोलता था कि आप तो यूएचबी से जुड़े हुए हैं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो मुझे उस समय भी थोड़ा सा वो होता था कि देखो खुद के लिए तो कुछ कर नहीं रहे और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है जब कोई ध्यान दिलाता है तो अब मुझे वो खराब नहीं लगता है ना। एक बात। दूसरी बात यह कि गणेश सर ने एक बार उसमें कही थी कि जब हम इस चीज के लिए चलते हैं तो सहयोग हमारी उम्मीद से ज्यादा उपलब्ध है, वैसा भी कुछ दिखता है। जैसे अब कोई जो पहले जो विरोध जो सहयोग नहीं मिलता है वो कंटेंट की वजह से नहीं है, वो हमारी अपनी अयोग्यता कह लीजिए, हमारे अपने क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं वो कंटेंट बाद में सुनता है, पहले हमें सुनता है, हमें देखना चाहता है। तो हमारी जो कमियां हैं वो चूंकि वो पहले से हमें झेल रहे होते हैं तो उनका हमारे ऊपर यकीन नहीं होता, इसलिए वो सहयोग नहीं होता। तो अब मुझे ऐसा दिखने लगा है कि मुझे अब सहयोग परिवार में भी है ना, और वहां पे वर्क प्लेस पे भी, जो मेरी बड़ी इच्छा थी दोनों जगह ठीक हो जाए। तो लकली मेरी वाइफ भी इससे जुड़ी हुई है और कॉलेज में भी, तो अब मुझे सहयोग तो अप लेवल है। अब सीधे है कि उस चीज को भागीदारी के रूप में आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं इसको और अच्छे से बढ़ा पाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले, शुरू में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक था इसलिए मैं कह नहीं पाया। मैं आप सबको फिर से नमस्कार करता हूँ, आपके गुरु को नमस्कार करता हूँ और आपके गुरु के गुरु को पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ज्ञान की इस पूरी परंपरा को मेरा नमस्कार। मैं गणेश सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, कुमार शंभु भैया के प्रति, शर्मिला दीदी और जो है वो गोपाल बाबू भैया, उनसे एक्सरसाइज में मुझे बहुत हेल्प मिली है, और भानु भैया, इन सबके प्रति मेरी कृतज्ञता। उसके साथ आप सभी जो को एक्सप्लोरर है, आपके सबके प्रति भी मेरी धन्यवाद है, क्योंकि आप सबको जब देखते हैं, देखो ये लोग तो क्या है कि ये काफी समय से लगे हैं, लेकिन जब आप लोगों की शेयरिंग भी सुनता हूँ तो मन बहुत अच्छा होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग साधारण लोग हैं तो इस रूप में आप सबके और आपके प्रश्नों से भी बहुत मदद मिलती है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को अब खत्म करना चाहूंगा। अब अनुपमा जी बोले। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। इस कंटेंट से मेरा परिचय जनवरी 2023 में जीवन विद्या परिचय शिविर के माध्यम से हुआ। बट यूएचपी की इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन जो है वो मुझे मेरे हस्बैंड अखिलेश्वर पांडे जी से मिली। अखिलेश्वर पांडे जी 2020 में यूएचपी से जुड़े थे। इनके कार्य व्यवहार में यूएचपी से जुड़ने के बाद जो परिवर्तन आया उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ है जो पहले किसी बात पे इतना चिल्लाते थे, इतना गुस्सा करते थे, वो सडनली ऑल ऑफ सडन 5-6 महीनों में इतना चेंज हो गया है, इतना शांत रहने लगे हैं। तो फिर जब मैंने इनसे बात की तो इनके प्रभाव, इनके ऊपर जो प्रभाव पॉजिटिव आ रहे थे मैंने उसको देखा। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे कोई अच्छी चीज है, मुझे भी इसको इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर मैं भी डे बाय डे घटने वाली समस्याओं में परेशान थी, संबंधों में परेशान थी, समाज में भी ज्यादा किसी से कोप अप नहीं कर पाती थी उससे परेशान थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज है जो बहुत रिलैक्स करेगी। इसके बाद फिर मैंने UHV 1 की वर्कशॉप की 9 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर 2023 तक। फिर मैंने 8 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 के बीच में UHV सेकेंड की वर्कशॉप की, और 8th बैच के मॉर्निंग सेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। तभी से स्वयं के विकास के लिए, चैतन्य के विकास के लिए मैं प्रयासरत हूँ।
अगर मैं देखूं कि एक्सरसाइज अभ्यास वन और अभ्यास दो में क्या समझ बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास वन जो एक्सरसाइज वन है उसमें मुझे मैंने ये देखा कि मैं स्वयं के भाव को, स्वयं के भाव विचार को मैं देख पाती हूँ, और उसमें मैं ये देख पाती हूँ कि जो भी चल रहा है मेरे अंदर उसका निर्णय मैं स्वयं ले रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आई कि जो भी चल रहा है, जो भी मेरे बाहर घटित हो रहा है, वो मेरे अंदर की जो भाव विचार है उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि फिर मैंने ऐसा ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसा इन्होंने भी कहा था कि सच में कई बार एक ही परिस्थिति में हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां सेम होती है तो मतलब बाहर कोई चीज नहीं है, हमारे अंदर ही वैरी कर रही है। और अब वो मुझे क्लियर क्लियर दिखता है, क्योंकि जब तक मेरे भाव और विचार कंट्रोल में रहते हैं तब तक तो चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं, लेकिन जैसे ही भाव विचार कंट्रोल में नहीं रहते या कहें कि मैं दृष्टा के पद से हटती हूँ, तो वहीं पे चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पहला स्टेप है इसका, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का संबंध है। इसमें पहले काफी क्लैशिंग होती थी, काफी प्रॉब्लम थी, हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। तो सबसे पहला इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ा है कि हम लोग के बीच होने वाले जो वाद विवाद थे वो लगभग लगभग खत्म ही हो गए। बहुत ही कभी कभार ऐसा होता है इन 3-4 सालों में, मतलब मैं उंगली पे काउंट कर सकती हूँ कि कितनी बार हमारे बीच में क्लैशिंग हुई है। दूसरा, अब अगर इस संबंध से बाहर निकल के बात करें तो बच्चों के साथ भी काफी अच्छा व्यवहार होने लगा है, वो भी उनके ऊपर भी प्रभाव दिख रहा है, वो भी भाव वाली चीजों को पकड़ना बच्चों ने भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस इतनी एज के बच्चों के लिए मतलब मुझे तो लगता था कि बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, बच्चे इन चीजों को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और अगर मैं बात करूं उसके बाहर, तो मैं लगातार सबसे अपने संबंधों को सुधारने के पीछे मैं 2-3 सालों से प्रयासरत हूं, और इस बार होली में बहुत ही, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात रही कि होली हम सब ने एक साथ मनाई, मेरा पूरा परिवार सब इकट्ठा हुआ। बीच में अभी इधर 2-3 वीक में ऐसे केस केस आए कि ऐसी परिस्थितियां आई कि फिर हम सब एक साथ इकट्ठा हुए, परिवार में किसी के ऊपर कोई समस्या आई, हालांकि लोगों का बर्ताव जैसा था वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है कि उनके विपरीत बर्ताव के बावजूद भी मैं अपने में बनी रह के, अपने स्वभाव विचार में बनी रहते हुए मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ, और उनके गलत बर्ताव के बावजूद भी मुझे उनपे थोड़ी देर के लिए भाव बिगड़ता है, लेकिन जब मैं एक बड़े लक्ष्य को देखती हूँ, बड़ी बड़ी चीजों, बड़ी व्यवस्था को देखती हूँ, तो वो मुझे नेग्लिजिबल लगती है, उनपे मुझे दया आती है और करुणा आती है, और मैं उनके लिए, उनके शरीर के लिए, उनके ज्ञान के लिए उनकी मदद कर पाती हूँ। अब अगर मैं देखूं कि एक्सरसाइज 2 से मेरी क्या समझ बनी है, तो मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से पीड़ित थी, जैसे मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, सर्वाइकल का लगता था कभी दिक्कत है, कई बार एसिडिटी, गैस, कई बार नॉर्मल से मौसम में मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं मेंटली सेटल होती जा रही हूँ, जब जब भी मैं, इवन ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब जब भी मैं मेंटली सेटल होती हूँ, तो काफी सारी समस्याएं जो है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गर्मी लगने की बात करूँ, तो जैसे कभी यही बरसात का ही मौसम चल रहा है, कभी मैं परेशान होती हूँ तो मुझे एकदम से बहुत तेज गर्मी लगती है, और अगर मैं सेटल हूँ, मेरा भाव विचार शांत है, मैं आराम में हूँ, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी मुझे नई चीज अभी दिखनी शुरू हुई है, ये मैंने इस बार से ऑब्जर्व की है, और मैंने ये देखा कि जो भी चीजें जिसपे मैं ओवर रिएक्ट करती थी, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, जब भी मुझे, मेरा कभी ब्लड टेस्ट होना होता था तो 2-3 लोगों को मुझे पकड़ना पड़ता था, लेकिन अब जब से मुझे ये वास्तविकता देखनी शुरू हुई है कि मैं एक अलग रियलिटी हूँ, शरीर एक अलग रियलिटी है, तब से काफी रिलैक्स हुआ है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक अलग रियलिटी हूँ और शरीर एक अलग रियलिटी है, दोनों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जब मैं दृष्टा भाव में रहती हूँ, तो मुझे वो दिखता है, वो मैं देख पाती हूँ, और मैं देख पाती हूँ कि
पहले माइग्रेन जब का जब मुझे अटैक आता था तो मैं जितना ज्यादा परेशान हो जाती थी, पूरे घर को परेशान कर देती थी कि दवाई लाओ, ये लाओ, कोई मेरा सर दबाओ, कोई ये करो, कोई वो करो। अब काफी कंट्रोल है। दर्द भी, मुझे दर्द होता है लेकिन दर्द के साथ होने वाली घबराहट नहीं होती। कई ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे अब मैं खुद अपना ब्लड टेस्ट के लिए अपना ब्लड खुद देती हूँ, किसी को मुझे पकड़ना नहीं पड़ता। लिफ्ट से मुझे बहुत घबराहट होती थी, अगर लिफ्ट 1 सेकंड के लिए भी रुक जाती थी तो फिर मेरे को इतनी तेज पैनिक अटैक आता था कि उसके बाद बीपी शूट ये सब चीजें होने लगती थी। बट लिफ्ट में भी अब मेरे को दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से जाती हूँ आती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन का मैंने आप लोगों को बताया ही, तो एक्सरसाइज टू तो मेरे लिए बिल्कुल, मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, लेकिन हाँ यह है कि जब ध्यान बनता है तो जो समस्याओं का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर मैं ये देखूं कि एक्सरसाइज 1 के कितने स्टेप मैं कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला और सबसे पहला स्टेप है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। तो मैं वही स्टेप इस बार में ज्यादा ध्यान से मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले के सत्रों के अभ्यास में मेरा ये ध्यान गया कि जितनी देर मेरा विचार, मेरा ध्यान स्वयं में बना रहता है, मैं स्वयं के भाव विचार को देख पाती हूँ, उतनी देर मैं बाकी ये स्टेप के बारे में भी सोच पाती हूँ। अदरवाइज ये सारी चीजें फिर एक तरीके से जब बेहोशी में चली जाती हूँ तो इन सब चीजें बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो इस बार मेरा सबसे ज्यादा जो ध्यान रहा वो एक्सरसाइज 1 के पहले स्टेप पर रहा, कि मैं उसको ये कितनी ज्यादा समय तक अपने आप को देख सकूं एक दृष्टा भाव की तरह दूर खड़े होके, कि मैं क्या हूं, क्या कर रही हूं, मेरे भाव विचार में क्या चल रहा है। और तो इसमें जो है एक्सरसाइज 1 में मैं स्टेप 1, 2, 3, 4 तो आराम से कर पाती हूँ। स्टेप 5 में कभी देख पाती हूँ, कभी नहीं देख पाती हूँ। स्टेप 6 का ए पार्ट तो मैं पिछले सेशन में कर ले रही थी, बी सेशन इस बार बी पार्ट भी मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ। और स्टेप 7 यह है कि जब ध्यान देती हूँ तो हो जाता है, और स्टेप 7 का ए बी दोनों में जब जब मैं ध्यान में रहती हूँ तो होता है, अदरवाइज वो ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। अगर मैं एक्सरसाइज 2 की बात करूँ तो अधिकतर ध्यान बना रहता है स्टेप 1 पे। स्टेप 2 मुझे प्रयास पूर्वक देखना पड़ता है। स्टेप 3 जो है वो प्रतिकूल संवेदना होने पर ही ध्यान आता है। स्टेप 4 क्षणिक रूप से देख पाती हूँ। स्टेप 5 देख पाती हूँ पर हर क्षण ध्यान नहीं रहता। स्टेप 6 की जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीने का प्रयास करती हूँ। ए और बी बहुत अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ है। और स्टेप 7 कभी कभी ही ध्यान आता है, लगातार ध्यान में नहीं रह पाता। अब अगर मैं ये देखूं कि सुख स्वभाव या प्रभाव है, तो मैं ये देख पाती हूँ कि सुख तो हमारा स्वभाव ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला, अगर जब जब हमारा स्वयं सुख हमारा स्वभाव होगा तो बाहरी चीजें हमें उतना प्रभावित नहीं करेंगी, ऐसा मुझे अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जब भी कभी कोई मुझे बाहर से तकलीफ लगता है कि मैं दुखी हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, तो अब मैं ये देखना शुरू करती हूँ कि कहाँ पे एरर है मेरे भाव विचार में, उसको कहाँ मेरा होश छूट गया, कहाँ ध्यान छूट गया, स्वयं से हट गया, जो इस तरह की चीजें आई हैं। क्योंकि जब भी मुझे अब मुझे ये क्लियर है कि जब भी मैं कोई बड़ी व्यवस्था नहीं समझ पाती हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तभी मैं दुखी या परेशान होती हूँ, तो फिर मैं स्वयं का स्कैन करना स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी आवेश में या परिस्थितिवश अनुकूल संवेदना के लिए प्रयास बना रहता है, परंतु अब बड़ा शिफ्ट यह हुआ है, यह दिखने लगा है कि इस प्रयास में मैं बनी हुई हूँ और मेरा सुख स्वभाव होना बन जाए, ये मेरा प्रयास कार्यक्रम। लेकिन जैसे ही दुखी होती हूँ ये दिख जाता है कि सह स्वीकृति के विरुद्ध जा रही हूँ, और दिखने लगा है कि अब क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। जब सेल्फ के बारे में सोचती हूँ तो ये दिखता है कि सह स्वीकृति के साथ ही सुखी रह पाती हूँ। अब अगर मैं कमिटमेंट की बात करूँ तो मैं लगभग लगभग रोज करीब ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा भी और जो वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उससे उसको देख के स्वयं के भाव विचार को सही करने के लिए प्रयास बना रहता है। और
अब ऐसा लगता है कि जो है अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए और अपने सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, और बाकी जो भागीदारी वाले काम हैं उसमें कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपने सभी कार्यक्रमों को सुचारूपूर्ण से निपटाते हुए उसमें भी मैं सहयोग कर सकूं। इस बार एक दो जिम्मेदारी जो मुझे मैंने ही आगे बढ़ के लिए बट मैं उनको नहीं कर पाई क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीजन थे, PhD एंड ऑल, तो थोड़ा मैं गैप बनाना पड़ा इन चीजों से, बट मैं प्रयास करती रहती हूँ कि मैं इन कार्यों को सुचारू रूप से करती रहूं और अपनी भागीदारी प्रस्तुत करती रहूं और अपना स्वयं का विकास करती रहूं। इसी के साथ मैं अब अपनी शेयरिंग खत्म करना चाहूंगी। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता, इस दर्शन के प्रति कृतज्ञता। प्रियदर्शनी दीदी बार बार मेरे सहयोग के लिए प्रस्तुत रहती हैं। कुमार संभव भैया के प्रति मेरी कृतज्ञता, श्री गणेश जी के प्रति मेरी कृतज्ञता। मैं सबको नमन करती हूँ कि आप सबकी वजह से आज हमें अपने और इस दर्शन की को सबसे बड़ी कृतज्ञता, जिसकी वजह से आज मुझे परिवार में ऐसा दिन देखने को मिल पा रहा है कि सब हम एक साथ बैठते हैं। जब भी सारा परिवार एक साथ होता है तभी हर क्षण मेरे मन से दर्शन के प्रति कृतज्ञता निकलती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दर्शन अगर मुझे आज नहीं मिला होता तो आज बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति हो सकती थी। मैं खुद तो दुखी होती ही, सब दुखी होते। ये बहुत बड़ी चीज मेरे मुझे मेरे भाग्य से मुझे मिली है और कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ सालों पहले मिल गई होती तो शायद चीजें इतनी बिगड़ी नहीं होती। तो इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा दीदी। आप दोनों बहुत अच्छे से मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप दोनों की शेयरिंग हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका संबंध में तो बहुत सुधार आया ये यूएसबी की करने के कारण, और बीच बीच में थोड़ा सा जो विरोध का भाव लौट लौट कर आता है, तो ऐसा कुछ घटना आप बताएंगे जो कि खास करके आप और अनुपमा जी के बीच में जो संबंध वो ठीक हो गया था लेकिन अब बिगड़ा हुआ है, तो ये मेरा आपसे जानना था। धन्यवाद आपका सभी का। जी, इसके बारे में तो भैया मुझे ये कहना है, ये जब तक जो संबंधों में जो समस्या है वो उसके मूल में तो कोई मान्यता ही होती है, जब तक हम संबंध का जो लक्ष्य है वो हमें स्पष्ट नहीं होगा तो मान्यता के हिसाब से है ना वो चीजें लौट लौट के आती रहती। तो हम पति पत्नी ये तो ठीक है, हम ऐसा दावा अभी नहीं है कि हमारा सब ठीक हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा जो उथल पुथल था वो शांत हुआ है और हम इतने उत्साहित हैं कि वो जो उथल पुथल शांत ही हुआ है वही हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है। तो संबंध अभी बहुत जी संबंध अभी किसी लक्ष्य के अर्थ में हो गया हो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो डे टू डे की जो उथल पुथल है वो तो जरूर निश्चित रूप से उसमें तो हमें आराम मिला है। अब आगे की बात जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अब इसको स्ट्रीमलाइन करना है लक्ष्य के प्रति, और उधर अभी नहीं हुआ है, तो एक तो ये बात है भैया। और अभी भी लौट के चीजें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सारा वो कुछ ठीक, वो ठीक होगा भी नहीं, वो जब तक ऊपर की क्रियाएं ठीक नहीं होंगी जब तक हम हमारा जो B1 ब्लॉक है वो सेटल नहीं होगा, ये इधर तो होता ही रहता है, बट ये है कि ये एक प्रूफ है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेबिलिटी है और खासकर हाँ पर्सनल वो सेटल हो रही है। तो ये इतना कहना था भैया, और कुछ मुझे कहना हो तो बताएं आप। नहीं, ये तो दिखता है कि एक बार विकास हो गया उत्सल का,
तो फिर ये लौट के नहीं आता है, ये साइक्लिक नहीं है, ये लिनियर है प्रोग्रेशन। जी तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, इसमें ये है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि मान्यता है कि एक ही तो है नहीं, तो बहुत सारा है, तो कभी लौट लौट के एक चीज आप सेटल करते हैं तो कोई दूसरा आता है, तो वो क्या है कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आप ठीक कर ले गए है ना, तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक करने का कंटेंट बहुत ज्यादा है वो तो मंत्रों की चीजें है ना, हम सेटल करते हैं कोई दूसरा। जैसे मैं अपने में अभी जो काम कर रहा हूँ करंट में, उसमें एक संस्कार है, उसके साथ 1.5 साल से लगा हुआ हूँ और वो बार बार आता है और वो लगता है रिजॉल्व में, लेकिन वो फिर उठ जाता है, तो इसमें समय तो लगेगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जो हमारा पति पत्नी संबंध में हमें पहले से तो आराम है इसमें, मतलब है वो तो हम दोनों ही कंफर्म कर रहे हैं, हम दोनों के और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अच्छा मुख्य बात है कि जब तक ये किसी लक्ष्य के लिए, जो बड़ा लक्ष्य है कि हम ज्ञान के लिए ही पूरा हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा पूरा घुटना सिलसिला चलने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। अभी वैसा जब होगा तो ये चीजें और तेजी से बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद भैया। ये अनुपमा दीदी, अखिलेश भैया, ये काफी जो है ये प्रेरणादायी ये प्रस्तुति है आपकी। और किस तरह स्वयं का जो विकास है, अपना जो जो परिमार्जन है, और बिल्कुल छोटी छोटी समस्या को भी कितना ये तार तार करके देखना, और फिर उसका जो है ये परिमार्जन करना, उस पर ध्यान जो है ये जा रहा है। और दोनों जो व्यक्ति जो है, आपने कहा कि किस तरह से ये शरीर शरीर को जो है ये मान करके जो मतलब जीने के प्रति जो एक विचार था, तो किस प्रकार से यदि हम ये ध्यान देते हैं शरीर को, तो हमारा जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उसका किस किस प्रकार से समाधान होता है, और फिर दाम्पत्य जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी हम किस प्रकार से जो है एक सकारात्मक जो उदाहरण है ये प्रस्तुत कर रहे हैं। शुभकामना दोनों आदमी को। थैंक यू। जी थैंक यू। जी या दोनों के शेयरिंग से मैं ये समझ पा रहा हूं कि पहले आप सुख पाने के लिए मतलब देखते थे या जुड़े हैं UHU से, लेकिन अभी क्या वही सेम है कि सुखी होकर कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है थोड़ा सुखी होकर कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पे अनुपमा दीदी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने काफी होली वाला सभी शेयर किया है, तो थोड़ा इस पे अनुपमा दीदी 1 मिनट बोलेंगे। थैंक यू। जी जी भैया, जी भैया भैया, पहले क्या था, जैसा मैं मुझे लगता है, मैं अपना बता रही हूँ। पहले मैं एक एक दो पर्टिकुलर संबंध से परेशान थी, तो मैं उसमें मुझे रिलैक्स मिल जाए, उसमें मैं सुखी हो जाऊं, मैं इसके लिए काम करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख रही थी कि मैं सुख को एक तरीके से प्रभाव के रूप में ही देख रही थी कि इससे मेरा सेटल हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मुझे दिखा कि वो समस्या सिर्फ एक से नहीं है, वो समस्या तो धीरे 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 एक एक पर्सन से है। तो फिर ये समझ में आया कि जब तक मैं स्वयं के स्वभाव पे काम नहीं करूंगी, तब तक फिर मैं कहाँ तक एक एक को सही करती घूमूंगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अपने ऊपर काम करना है, पहले अपने सुख के लिए काम करना है। मैं समझू कि सुख क्या है, सुख का मतलब क्या है, संबंधों का मतलब क्या है, फिर ये धीरे धीरे सबसे सेटल हो जाएगा। तो राधर देन कि सबको पकड़ा जाए, अपने ऊपर काम किया जाए, खुद मैं खुद सुखी बढ़िया। रहूं, तो जब मैं सुखी रहूंगी तो मैं सबको सबसे अच्छा इंटरेक्शन कर पाऊंगी। ऐसा मैंने ध्यान बिल्कुल। दिया, क्योंकि कभी मेरा मेरी मदर इन लॉ से सही हुआ, मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ से सही हुआ, तो बेटी से प्रॉब्लम आने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो बेटी से क्लैशिंग क्यों होती। फिर अपनी जी मम्मी पापा से भी क्लैशिंग होने लगी कई बातों पे। तो मुझे लगा मैं पहले समझूं कि सुख होता क्या है, सुख है क्या, पहले मैं खुद सुखी हूँ, ये सुख को अपना स्वभाव बनाऊं, तब मैं सबसे अच्छे से बिहेव कर पाऊंगी। अच्छा, अब मैंने ऐसा काम करना शुरू किया है, ये इसकी सत्यता इससे प्रमाणित हो गई कि अब मैं जी जितनी देर होश में रहती हूँ उतनी देर जी सबसे संयमित बर्ताव करती हूँ। तो जी वही लोग
का बर्ताव जो जो रिफ्लेक्ट होके आता है वो टोटली डिफरेंट है पहले से। तो अब मुझे समझ में आया है कि सुख के लिए काम नहीं करना है, सुखी होके काम करना है, एक बढ़िया बड़े बढ़िया लक्ष्य के लिए काम दीदी करना है। ओनली ये सब तो ये सब फिर साइड प्रोडक्ट है। मेन जी लक्ष्य मेन चीजें तो ज्ञान के लिए और अपने चैतन्य के विकास के लिए काम करना है। ये मेरी मोटी मोटी अब तक समझ बनी है भैया, इसी हिसाब से काम जी कर रहे हैं। जी दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को, धन्यवाद। दोनों की शेयरिंग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग दोनों बहुत सिंसियरली अपने अंदर काम कर रहे हैं, अपने अंदर काफी आराम भी पा रहे हैं और बाहर शरीर पे भी उसका प्रभाव आप दोनों को दिख रहा है, बाहर भी संबंध बेटर हो रहे हैं। यही रास्ता है। बट मुझे लगता है कि अनुपमा जी तो अभी ज्यादा रिसेंटली जुड़ी हैं, अखिलेश्वर जी थोड़ा पहले से जुड़े हैं, तो अखिलेश्वर जी से मैं कहना चाह रही थी कि काम तो आप कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन आगे भी काफी स्कोप है और अच्छे से गहराई में जाने का, जो कि आपने खुद ने भी कहा कि कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं और आगे अभी काफी काम बचा है। आपने एक दो बार कहा कि साधारण लोग, लेकिन मैं कहूँ कि कोई भी, मतलब हम सब में वही क्षमता है। अगर हम महान लोगों की भी बात करें तो जहाँ तक मुझे याद है कि एक ये बात थी कि बुद्ध से भी कभी किसी ने कुछ कहा था ऐसा कि आपके जैसा तो हमारे लिए बनना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने यही बात कही थी कि मुझ में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि हम सबकी क्षमता एक ही है, हमें बस उस तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप जो भी मोटिवेशन से ज्वाइन किए हों, लेकिन जैसे जैसे हमें वो लक्ष्य दिखने लगता है, हमारा मोटिवेशन जैसे जैसे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हम आराम में आने लगते हैं, वैसे वैसे हमें और मींस जो अपने अंदर जो आराम हम देखते हैं, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि हम इसके आगे जाएं और फैलें। और वो फैलाव इसी डायरेक्शन में होगा कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले संबंध में थोड़े आराम मिलेगा, फिर धीरे धीरे और फैलाव बढ़ेगा बाहर की तरफ, तो फिर व्यवस्था और फिर सहअस्तित्व दोनों के लिए और अच्छे से काम होगा। मुझे लगता है कि एक सही तरीके से अपने अंदर का काम आप दोनों में शुरू हो चुका है और इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों अच्छे से अपने अंदर ये काम कर रहे हैं। थोड़ा और गहराई में जाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके, अपने भागीदारी के बारे में भी सोचें, ताकि आपका कंटेंट के साथ जो है लगाव वो बना रहे, और उसके साथ साथ अपने अंदर देखने की प्रक्रिया को, मतलब कुछ समय के लिए अलग बैठ के जरूर करें और थोड़ा कॉपी पेन में लिखिए, कॉपी पेन से, कि क्या चीज जो आपको दिखी, या जब भी भाव बिगड़ता है तो पूछें अपने आप से कि क्यों बिगड़ा, या क्या हो जाता अगर दूसरे ने ऐसा कुछ कहा या जो भी हुआ। तो धीरे धीरे उससे फिर एक तरह से गाइड मिलेगा कि अपने अंदर जो संस्कार बने हुए हैं वो धीरे धीरे उभरेंगे। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सजेशन के लिए, क्योंकि ऐसा होता ही है कि कई बार जब हमारा ध्यान नहीं रहता है तो हम वापस चले आते हैं, उसी साइकिल में पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही चीज है कि हम बैठ के अलग से देखें। ये काम मैं करूंगी, हम करेंगे दीदी, बिल्कुल। धन्यवाद जी, दीदी, और फिर उससे धन्यवाद। आपको दिखेगा कि हम जैसे जैसे और सहज होते जाते हैं, वैसे वैसे जो भी हमको बाहर भी काम करने हैं उसमें कम समय लगता है।
हम और फोकस के साथ कर पाते हैं, तो एक्चुअली समय बच जाता है बाद में देखें तो। आपको बहुत बहुत जी दीदी शुक्रिया। बिल्कुल जी नमस्ते जी, आज की दोनों शेयरिंग बहुत ही सराहनीय है, सही दिशा में है, और दोनों लोग जिस निष्ठा से लगे हैं तो हमें धीरे धीरे हमारा घटनाओं से उबरना और सुख का एक कहीं ना कहीं एक एहसास जो है होने लगा है, तो आगे की यात्रा भी करनी है और हमारी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमें सब मिल के समस्या से समाधान की ओर बढ़ना है और सबके लिए भागीदारी, सबके लिए प्रेरणा बनना है। बहुत बढ़िया, मेरी दोनों लोगों को बहुत शुभ। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अखिलेश जी से तो मेरा काफी परिचय रहा है, ऐसे फेस टू फेस तो नहीं मिला, परंतु अखिलेश भैया आपका जो स्वभाव है वो खोजी स्वभाव है, एंड यू आर फ्रैंक इन अ पल्सर, तो आपके बारे में तो मैं कह सकता हूँ जीत ही लेंगे बाजी, खेल अधूरा तो खेलना ही आप दोनों के वास्ते है, करते रहिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छी चीज। नमस्ते, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग है, और आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत प्रेरणादायक होगी, और हेल्पलाइन वाले मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दें जिससे बच्चों को भेजी जा सके। बच्चे जब भी मानते हैं, जब कोई रिजल्ट उनके सामने आता है कि वहाँ सही हो गया, संबंध सही हो गए, तो हम भी कर लेंगे अब, और ना वो कहने लगते हैं, बोले ये तो महात्मा लोगों के लिए है, ये वर्ड और बोलते हैं बच्चे छोड़। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। आज की शेयरिंग से ये है कि जो बाबा जी का वंग में है उसने उन्होंने समाधान दिया है, और ये समस्या तो प्रत्येक घर में है, और समाधान जो है ना यहाँ पे है, तो ये इससे जो है ना और ज्यादा जो हमारा विश्वास बढ़ता है, जैसे नरेश भैया ने बोला कि जब समाधान एक परिवार में दिखता है तो ये हर एक परिवार में समाधानित हो ही सकता है, तो समाधान के अभाव में हर घर में इस तरह की समस्याएं और दुखी हैं, और इसीलिए जो है ना वो अपने आप भी दुखी हैं, समाज को भी दुखी करते हैं, और बहुत से तो बाहर जो है वहाँ तक कोर्ट तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये है कि कोर्ट में नहीं जाना, परेशान नहीं होना, समाधान उपलब्ध है। अब मैं यही भैया और दीदी से कहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा आप वो अपने समाज में फैलाएं तो उतना ही ज़्यादा जो है ना और दूसरे परिवारों के लिए लाभप्रद होगा, जिस जो खुशी आपके परिवार में आई वो खुशी दूसरे परिवारों में भी पहुँचेगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा आगे, धन्यवाद।